इस बार का जो इलेक्शन है वो काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे 2020 मैच होता है तो बहुत लोग देखते हैं टीवी के ऊपर, सोशल मीडिया पर, तो इस बार भी टीवी चैनलों की टीआरपी बहुत आई रहेगी, अखबारों की लीडरशिप और बढ़ेगी और बात कई सी की रहेगी और उसमें जिसमें दम होगा वो जीतेगा। मैं देश के साथ हूँ, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं देश के साथ हूँ, जो देश के लिए जीता है, देश के लिए सोचता है, देश जिनके हाथों में सुरक्षित हो, जिसकी नियत नीतियाँ नेतृत्व चरित्र अच्छा हो उसको चुनो, वो एमएलए हो, पिछले बार के चुनाव में, पिछले बार के चुनाव में मेरे अलग थे, काला नहीं जीता था। डेमोक्रेसी में एक ना एक स्टैंड लेना ही पड़ेगा, या महागठबंधन हो या बीजेपी हो, सब देश के हित में ही है, सब ऐसा ही बोलते हैं। आप आपका राय क्या है, आपके स्टैंड क्या है? पहले तो आप स्पष्ट नहीं हो, आपकी बुद्धि चातुर्य के लिए आपको प्रणाम करता हूँ। दूसरी बात ये है कि मैं तो वोट देने जाऊंगा तो एक ही पार्टी को दूंगा, दो को दूंगा तो मेरा वोट बोगस हो जाएगा, तो मैं वोट देने जाऊंगा उस समय मैं एक ही या तो गठबंधन को दूंगा या तो मैं एनडीए को दूंगा। लेकिन इससे अभी इलेक्शन कमीशन के कानून लागू है, मैं चुनावी सभा के लिए नहीं आया हुआ हूँ, इसलिए मेरी बोलने में बाध्यताएं हैं। मैं इसमें इसलिए मैंने बोला कि आप लोग प्रश्न पूछो, जितना उत्तर मेरे को बन पाएगा उतना दे दूंगा। इस बार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए क्या इस बार? थोड़ा हंसिए मुस्कुराइए, बहुत अच्छा वक्त है। बाबा जी, जो कपड़े इंडस्ट्रीज में आप आए अभी, हाँ, तो टेक्निकली क्या स्वदेशी और विदेशी का मिलावट है क्या? स्वदेशी इसमें, हाँ, क्या नाम बाबा जी? स्वदेशी या विदेशी का मिलावट है या स्वदेशी का टेक्निकली? नहीं, मिलावट नहीं, इसमें शुद्ध स्वदेशी भी है, कुर्ता कुर्ता पैजामा, और मैंने कहा कॉटन से बना हुआ खादी से लेकर के बैंगो से बना हुआ खादी, फड़ाऊ से लेकर के लगोट से लेकर के कोट तक, तो इसमें शुद्ध इंडियन ट्रेडिशन भी है, इंडो वेस्टर्न फैशन भी है, तो दोनों का संगम है। तो महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी बड़े मुद्दे हैं, और किसानों का मुद्दा है, हेल्थ एजुकेशन का मुद्दा है, वो रहेगा, लेकिन इसके ऊपर दो मुद्दे बहुत ऊपर सरफेस पे आ गए हैं। एक है हिंदुत्व, एनडीए कहता है कि हम हिंदुवादी हैं, तो उधर से राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी भी मंदिर जा रहे हैं, वो भी जो है गंगा जी की आरती कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं हम भी हिंदुवादी हैं। तो इस इलेक्शन में एक बात तो ये हुई कि अभी हिंदुओं को छोड़ करके कोई देश में राजनीति नहीं कर सकता। पहले लोग ऐसे सोचते थे अरे हिंदू को कुछ भी बोल दो, अब हिंदू की जो बात करेगा वही हिंदुस्तान पर राज करेगा, एक बात तो ये तय हो गई है। तो हिंदू तो भी एक देश में बड़ा मुद्दा बन गया सारी राजनीतिक पार्टियों के लिए। सेकंड चीज इस समय देश किसके हाथों में सुरक्षित है, राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रवाद भी एक बड़ा मुद्दा बन गया। फिर धारा 370-35A और समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड, ये बड़े मुद्दे हैं। ये अलग बात है, इन सब मुद्दों के बीच में राम मंदिर का मुद्दा दब गया है, वो नहीं दबना चाहिए था, राम मंदिर भी जल्दी बनना चाहिए था। कोर्ट ने भी बड़ी होशियारी करके एक नए लोगों की, तीन लोगों की पंचायत बना दी और उसको टाइम दे दिया, इलेक्शन के बाद वो अपना डिसीजन देंगे। तो ना, मैं कह रहा हूँ कोर्ट ने इलेक्शन के बाद का डेट दे दिया, उसके बाद में जो होगा वो बाद में पता लगेगा, तो उस मुद्दे को नए पत्थर पर रख दिया इस इलेक्शन में, ये कह रहा हूँ। उसमें मुझे श्री श्री रविशंकर जी हमारे बड़े भाई हैं, वो अच्छा ही सोचेंगे, अच्छा ही करेंगे, और उनके सामने राम मंदिर बनाने के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, क्योंकि रविशंकर जी कोई दूसरा स्टैंड ले ही नहीं सकते, क्योंकि उनको इसी हिंदुस्तान में जीना रहना है, और उनको पता है कि राम अयोध्या वासी है, वहां कोई बाबर अकबर पैदा नहीं हुए थे, तो इसलिए श्री रविशंकर जी का स्टैंड साफ है। और इस देश के मुसलमानों को भी सोचना चाहिए कि हिंदू मात्र हिंदुओं के पूर्वज नहीं है राम, वो हिंदू और मुसलमान सबके पूर्वज है,
आज हमारे मजहब अलग हो सकते हैं, पूर्वज अलग नहीं हो सकते। हमारी पूजा पाठ की पद्धति, उपासना पद्धति अलग होने से हमारे फोर फादर्स तो अलग नहीं हो सकते। तो अपने पूर्वजों को सम्मान देना ये हिंदू और मुसलमानों का दोनों का ही काम है जी। नेक्स्ट।